In our last class, we were discussing about the factors affecting the solubility of gases in liquids. ठीक है, और उसमें हमने तीन factors की बात की थी. पहला factor nature of gas, दूसरा nature of solvent और तीसरा effect of temperature. ठीक है, आज के class में एक और important factor की हम लोग बात करने वाले हैं, effect of pressure. ठीक है, कि किसी भी gas का लिक्विड में सॉल्यूशन बनाया जाता है तब गैस के सॉल्युबिलिटी पर प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है. ठीक है, आज के क्लास में हम लोग यही डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है, और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि ये हेनरीज लॉ से रिलेटेड है. ठीक है, अब गैस के सॉल्युबिलिटी पर जो प्रेशर का इफेक्ट है इसको सबसे पहली बार हेनरी ने एक्सप्लेन किया था. ठीक है, और हेनरी ने बहुत सिंपल वे में इसको बताया था कि किसी भी गैस का किसी पार्टिकुलर सॉल्वेंट में सॉल्युबिलिटी गैस के प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. मतलब अगर प्रेशर इंक्रीज किया जाएगा तो गैस की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, अगर प्रेशर डिक्रीज किया जाएगा तो गैस की सॉल्युबिलिटी भी डिक्रीज हो जाएगी. सिंपल सा कॉन्सेप्ट था हेनरी का. ठीक है, और ये सबसे पहला क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप था. मतलब क्वांटिटेटिव का मतलब ये हुआ जिससे हम लोग थ्योरेटिकली कैलकुलेट कर सकते थे कि किसी पार्टिकुलर प्रेशर पर कोई पार्टिकुलर गैस कितने अमाउंट में सॉल्वेंट में डिजॉल्व होगा. ठीक है, सो ही वाज द फर्स्ट पर्सन हु प्रोवाइडेड ए क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप फॉर द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन पार्टिकुलर सॉल्वेंट एट ए पार्टिकुलर प्रेशर. ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि हेनरी का ओरिजिनल स्टेटमेंट क्या था. ठीक है, हेनरी स्टेटेड दैट द सॉलिबिलिटी ऑफ ए गैस इन ए पार्टिकुलर सॉल्वेंट एट ए पार्टिकुलर टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the pressure of gas provided gas does not react chemically with the solvent. ठीक है, वही बात जो मैंने बताया कि सॉल्युबिलिटी जो है वो प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. कब? एट कांस्टेंट टेम्परेचर. ठीक है, साथ ही साथ एक और कंडीशन यहां रखा गया है कि हमारा गैस सॉल्वेंट के साथ कोई केमिकल रिएक्शन ना कर रहा हो. ठीक है, अगर केमिकल रिएक्शन करेगा तो कुछ नए सबस्टेंस का फॉर्मेशन होगा जो सॉल्युबल भी हो सकते हैं या नहीं भी सॉल्युबल हो सकते हैं, तो इसलिए फिर ये लॉ वैलिड नहीं होगा. ठीक है, तो जो सिंपल सा कॉन्सेप्ट था हेनरी का यही था कि किसी भी गैस का किसी पार्टिकुलर सॉल्वेंट में पार्टिकुलर टेम्परेचर पर जो सॉल्युबिलिटी होगी वो प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. ठीक है, अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम एक क्लोज सिस्टम सपोज करें, मान लीजिए कि इस सिस्टम में ये सॉल्वेंट है और ये पिस्टन जो है यहां पर प्रेशर P1 अप्लाई कर रहा है. ठीक है, और यहां जो है गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, इसमें से कुछ मॉलिक्यूल्स सॉल्वेंट में डिजॉल्व हो गए हैं. ठीक है, अब अगर हम इस पिस्टन पर फोर्स अप्लाई करें
जिससे यहाँ प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा इसके अंदर जो है, क्योंकि आप प्रेशर ऊपर से अप्लाई कर रहे हैं, तो जो कंटेनर है उसके अंदर गैस का प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। सेकेंड केस हम सपोज करते हैं, उसमें ये पिस्टन देखिए नीचे आ गया है और यहाँ प्रेशर हो गया P2, सपोज कर रहे हैं, ठीक है। अब अगर हम लोग सेम यही केस देखें तो यहाँ पर अब जो मॉलिक्यूल्स सॉल्वेंट में डिजॉल्व हो गए हैं उनकी काउंट बढ़ जाएगी। यहाँ पर आप देखिए मैंने केवल तीन डॉट्स बनाए हैं गैस के मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए जो कि सॉल्वेंट में डिजॉल्व हुए हैं, बाकी जो हैं इसके साथ इक्विलिब्रियम में है, यानी सॉल्यूशन और गैस के बीच में एक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर रहा है क्योंकि ये क्लोज सिस्टम है, ठीक है। यहाँ पर क्या दिखाया गया है कि इसके कंपेरिजन में यहाँ पर और ज़्यादा गैस के मॉलिक्यूल्स सॉल्वेंट के साथ सॉल्यूशन फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यानी सॉल्युबिलिटी यहाँ पर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। या हम कह सकते हैं जैसे यहाँ P1 और P2 प्रेशर है, यहाँ पर सॉल्युबिलिटी S1 मान लेते हैं और यहाँ सॉल्युबिलिटी S2 मान लेते हैं, तो हम कह सकते हैं कि इफ़ P2 इज ग्रेटर देन P1 देन S2 इज ऑल्सो ग्रेटर देन S1, ठीक है। यही सिंपल सा कॉन्सेप्ट हेनरी ने गैस के सॉल्युबिलिटी के रेस्पेक्ट में दिया था, ठीक है। अब ये जो कॉन्सेप्ट है ये एक गैस के सॉल्युबिलिटी को अगर हम लोग को कंपेयर करना है तब तो ये कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। जैसे ऑक्सीजन का हम सॉल्युबिलिटी जानना चाहते हैं वाटर में 25 डिग्री सेल्सियस पर ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी क्या है, ठीक है। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे हम लोग एक्सपेरिमेंट कर लें, फिर प्रेशर को इंक्रीज करके 2 एटमॉस्फेयर कर दें, फिर 3 एटमॉस्फेयर कर दें, उससे हम एक एक्सपेरिमेंट से पता कर लेंगे कि जैसे जैसे हम लोग प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो हमारे गैस की सॉल्युबिलिटी धीरे धीरे इंक्रीज होते चली जाती है, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग नेचर की बात करें या रियल लाइफ एग्जांपल्स की बात करें, ठीक है, तो ऐसा होता है कि मिक्सर ऑफ गैसेस जनरली सॉल्वेंट के कॉन्टेक्ट में होते हैं। जैसे पॉन्ड के सरफेस को अगर देखा जाए, कोई पॉन्ड है ये, इसके सरफेस को देखा जाए तो इसके सरफेस के कांटेक्ट में एयर है और एयर इज ए मिक्सर ऑफ गैसेस, यानी इसमें ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, हीलियम भी होगा और भी बहुत सारे गैसेस होंगे, ठीक है। अब हम ये जानना चाहते हैं कि ये जो मिक्सर ऑफ गैस का जो प्रेशर है, मान लीजिए पी टोटल, टोटल प्रेशर पी टोटल है, तो हम अगर अलग अलग जानना चाहते हैं कि ओ टू की सॉल्युबिलिटी क्या होगी, एन टू की क्या होगी, सी ओ टू की क्या होगी, तो यहाँ पर हम लोग इस फैक्ट को अप्लाई नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहाँ मिक्सर ऑफ गैसेस हैं और ये जो फैक्ट बताया गया है एक गैस के लिए बताया गया है कि किसी पार्टिकुलर गैस का जो सॉल्युबिलिटी होगा वो प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, मिक्सर ऑफ गैसेस के लिए तो ये बताया नहीं गया है, ठीक है। तो ये जो फैक्ट था ये सही था लेकिन मिक्सर ऑफ गैसेस के लिए एप्लीकेबल नहीं था। अच्छा, उसी समय डाल्टन ने भी गैसों के सॉल्युबिलिटी के रेस्पेक्ट में, ठीक है, एक्सपेरिमेंट्स किए और उस बेसिस पर डाल्टन ने भी एक कंक्लूजन डिराइव किया, ठीक है। अब डाल्टन ने क्या कंक्लूजन दिया इसको थोड़ा सा देखते हैं और उसको एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है, ओके। नाउ डाल्टन स्टेटेड दैट द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन ए पार्टिकुलर सॉल्वेंट एट ए पार्टिकुलर टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस प्रोवाइडेड गैस डज नॉट रिएक्ट केमिकली विद द सॉल्वेंट। सारा कॉन्सेप्ट वही है, बस फर्क क्या है कि हेनरी ने जहां प्रेशर यूज किया था वहां डाल्टन ने पार्शियल प्रेशर यूज किया, ठीक है। यानी जो डाल्टन का कॉन्सेप्ट था वो ये था कि सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर पी आई, वेयर पी आई इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस,
ठीक है, एंड पी आई इज इक्वल टू एक्स आई इंटू पी टोटल, वेयर एक्स आई इज द मोल फ्रैक्शन। आपको पता है मोल फ्रैक्शन, ये हमने पहले भी बताया है, मोल फ्रैक्शन ऑफ आइथ कंपोनेंट इक्वल टू एन आई बाई एन वन प्लस एन टू प्लस डैश डैश डैश। ठीक है, मोल फ्रैक्शन इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गिवन कंपोनेंट बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट है अब इस केस के लिए भी एप्लीकेबल होगा कि मान लीजिए कि ये कंटेनर है हमारा और ये पिस्टन यहां पर लगा हुआ है, यहां प्रेशर कुछ है, ठीक है, और ये हमारा हो गया सॉल्वेंट। अब इसमें सपोज करते हम लोग कि यहां दो गैस हैं, एक ये मैं बना रहा हूं रेड कलर से और एक मैं बना रहा हूं ब्लू कलर से। ठीक है, दो तरह के गैस का मिक्सर है ये। ठीक है, अब हम ये जानना चाहते हैं कि इस मिक्सर ऑफ गैसेस में किस गैस की सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी। ठीक है, तो आपको क्या अप्लाई करना पड़ेगा, ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करना पड़ेगा कि सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर एंड पार्शियल प्रेशर इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इंटू टोटल प्रेशर। ठीक है, तो यहां पर जिस गैस का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा उसकी सॉल्युबिलिटी भी ज्यादा होगी और जिस गैस की पार्शियल प्रेशर कम होगी उसकी सॉल्युबिलिटी भी कम होगी। ठीक है, जैसे हम सपोज कर लेते हैं कि ये हमारा है गैस ए, ठीक है, और ये हमारा है गैस बी। ठीक है, अब अगर इफ एक्स ए इज ग्रेटर देन एक्स बी, मान लीजिए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज ग्रेटर देन मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, ये जो गैस है इट इज ए मिक्सर ऑफ गैस, मिक्सर ऑफ टू गैसेस, मैंने दो गैस सपोज किया है ए और बी, और सपोज करते हैं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज ग्रेटर देन मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, तो इसका मतलब क्या होगा कि मोल फ्रैक्शन अगर ज्यादा है तो पी टोटल की वैल्यू तो कॉन्स्टेंट होगी, तो इसका मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज ग्रेटर देन पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। ठीक है, और पार्शियल प्रेशर ए का ज्यादा है पार्शियल प्रेशर बी से, तो हम कह सकते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन सॉल्युबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो हेनरी का कंक्लूजन था वही हमारे डाल्टन का भी कंक्लूजन है, बस फर्क क्या है कि हेनरी ने अपना एक्सप्लेनेशन एक गैस के सॉल्युबिलिटी के रेस्पेक्ट में दिया था कि किसी पार्टिकुलर गैस की जो सॉल्युबिलिटी होती है वो प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, जबकि डाल्टन ने भी वही कंक्लूजन दिया लेकिन ये मिक्सर ऑफ गैसेस के लिए इन्होंने दिया कि कई सारे गैसों का अगर मिक्सर है किसी सॉल्वेंट के साथ वो इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, सॉल्यूशन के साथ इक्विलिब्रियम में है, तो उस केस में जिस गैस का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होगा उसकी सॉल्युबिलिटी भी ज़्यादा होगी। ठीक है, या हम कहें जिस गैस का मोल फ्रैक्शन ज़्यादा होगा उस गैस की सॉल्युबिलिटी भी ज़्यादा होगी। ठीक है, सिंपल सा ये कॉन्सेप्ट है, अब इसमें आपको बहुत कंफ्यूज नहीं होना है, सिंपल सी बात है, जो हेनरी का एक्सप्लेनेशन है वही डाल्टन का भी एक्सप्लेनेशन है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, बस हेनरी का एक्सप्लेनेशन एक गैस के सॉल्युबिलिटी को एक्सप्लेन कर रहा था जबकि डाल्टन का जो कंक्लूजन है वो पार्शियल प्रेशर के फॉर्म में है, यानी कई सारे गैसों का अगर मिक्सर के सॉल्युबिलिटी की हम लोग स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, जैसे एक्वेटिक लाइफ जो होते हैं, जो पानी में रहने वाले एनिमल्स हैं, ठीक है, तो वो डिजॉल्व ऑक्सीजन से अपना डिमांड पूरा करते हैं, है ना, क्योंकि उनमें गिल्स होता है या स्किन के थ्रू वो अपना ऑक्सीजन डिमांड पूरा करते हैं। तो अब एयर में तो नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, हीलियम भी है, बहुत सारे गैस हैं, लेकिन उनमें से कौन सा गैस सबसे ज़्यादा सॉल्युबल होगा, वाटर में, तो जिसकी पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होगी उसकी सॉल्युबिलिटी भी ज़्यादा होगी। ठीक है, यही कंक्लूजन है हमारे डाल्टन्स का सॉल्युबिलिटी से रिलेटेड कंक्लूजन। ठीक है, अच्छा, अब देखिए दोनों ने सॉल्युबिलिटी
को एक्सप्लेन किया है प्रेशर के फॉर्म में। अब हम जानते हैं कि सॉल्युबिलिटी का मतलब हो गया कि अगर सॉल्युबिलिटी हाई है, इसका मतलब गैस का अमाउंट जो कि सॉल्यूशन में डिजॉल्व हो रहा है वो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। इफ सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस द मास ऑफ गैस प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन विल इंक्रीज, ठीक है। या हम इसको ऐसे समझें, इफ सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इज मोर, ठीक है, द मास ऑफ गैस डिजॉल्व्ड इन सॉल्यूशन विल बी मोर, ठीक है। जिस गैस की सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी उसका ज्यादा मास डिजॉल्व होगा, ठीक है, सॉल्यूशन में। और ज्यादा मास डिजॉल्व होगा तो इसका मतलब क्या हो गया, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस डिजॉल्व्ड इन सॉल्यूशन विल बी मोर, ठीक है। मास ज्यादा होने का मतलब क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होगा, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास बाई मोलर मास। तो मोलर मास तो चेंज होता नहीं है भाई, ठीक है। तो अगर ये बढ़ रहा है, मास ज्यादा है तो नंबर ऑफ मोल्स भी ज्यादा होंगे, और नंबर ऑफ मोल ज्यादा है तो हम कह सकते हैं द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस डिजॉल्व्ड इन सॉल्यूशन विल बी मोर। क्यों? क्योंकि मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट इन सॉल्यूशन बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। तो सिंपल सा ये रिलेशनशिप है कि सॉल्युबिलिटी ज्यादा है तो ज्यादा मास डिजॉल्व है सॉल्यूशन में, और ज्यादा मास डिजॉल्व है तो ज्यादा मोल्स होंगे, ज्यादा मोल्स होंगे तो ज्यादा मोल फ्रैक्शन होंगे। तो क्यों ना हम इस सॉल्युबिलिटी के जगह पर डायरेक्टली हम मोल फ्रैक्शन जो टर्म है उसको यूज करें, ठीक है। जो हेनरी का कंक्लूजन था, जो डाल्टन का कंक्लूजन था, दोनों एक ही कंक्लूजन है। पहली बात, दोनों ने सॉल्युबिलिटी को प्रेशर से रिलेट किया है, ठीक। तो जो सॉल्युबिलिटी टर्म यूज किया गया था उसके जगह पर मोल फ्रैक्शन यूज करना ज्यादा बेहतर है, क्योंकि ये डायरेक्टली रिलेट कर देगा एक कॉन्सेंट्रेशन टर्म से, क्योंकि ये कॉन्सेंट्रेशन टर्म है, ठीक है। तो दोनों को कंबाइन करके एक नया डिफिनेशन दिया गया, एक नया कॉन्सेप्ट डिराइव किया गया, ठीक है। तो देखिए क्या है वो कॉन्सेप्ट। सो हियर वी हैव द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। देखिए जहां सॉल्युबिलिटी था वहां पर हम लोग इस टर्म को यूज कर रहे हैं, मोल फ्रैक्शन। द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन अ गिवन सॉल्वेंट एट अ पार्टिकुलर टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। पार्शियल प्रेशर के फॉर्म में इसलिए क्योंकि ये मिक्सर ऑफ गैस के सॉल्युबिलिटी को भी आसानी से एक्सप्लेन कर सकता है। तो कंबाइंड फॉर्म जो बनाया गया उसमें पार्शियल प्रेशर के फॉर्म में मोल फ्रैक्शन के रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश किया गया या सॉल्युबिलिटी को एक्सप्लेन किया गया। द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन अ गिवन सॉल्वेंट एट ए पार्टिकुलर टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ओवर द सॉल्यूशन प्रोवाइडेड द गैस डज नॉट रिएक्ट केमिकली विद द सॉल्वेंट, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि अगर एक क्लोज कंटेनर है, ठीक है, और ये हमारा सॉल्वेंट हो गया, इसमें ए बी सी तीन गैस का मिक्सचर सॉल्यूशन के साथ इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। तो जिस गैस का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा उसके मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन में ज्यादा होंगे, यही सिंपल सी बात है। और मोल फ्रैक्शन ज्यादा होने का मतलब सॉल्युबिलिटी ज्यादा होना, ठीक है। यानी इफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज ग्रेटर देन पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इज ग्रेटर देन पार्शियल प्रेशर ऑफ सी देन मोल फ्रैक्शन ऑफ ए is greater than mole fraction of B is greater than mole fraction of C in solution, ठीक है। ये दोनों का combined form हो गया। यानी हम कह सकते हैं कि अगर A का partial pressure B से ज्यादा है, B का partial pressure C से ज्यादा है, तो
ए का मोल फ्रैक्शन बी से ज्यादा रहेगा और बी का मोल फ्रैक्शन सी से ज्यादा रहेगा, यानी जिसका पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा उसके मोल फ्रैक्शन भी ज्यादा होंगे सॉल्यूशन में। ठीक है, कब? जबकि मिक्सर ऑफ गैसेस सॉल्यूशन के साथ इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, यानी ग्रेटर इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, हायर इज द सॉल्युबिलिटी, या हायर इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन द सॉल्यूशन। ठीक है, अच्छा, जो मोस्ट कॉमन फॉर्म है हेनरीज लॉ का, मोस्ट कॉमन फॉर्म जो वाइडली यूज्ड फॉर्म है वो क्या है, इसी का जस्ट अपोजिट। यानी हम अगर ऐसे कह रहे हैं कि ए का पार्शियल प्रेशर ज्यादा है इसलिए उसके मोल फ्रैक्शन ज्यादा होंगे सॉल्यूशन में, तो इसी बात को ऐसे भी कह सकते हैं कि ए का मोल फ्रैक्शन ज्यादा है सॉल्यूशन में, इसका मतलब ये हुआ कि ए का पार्शियल प्रेशर ज्यादा है ओवर द सॉल्यूशन। ठीक है, जस्ट अपोजिट। जैसे हमने पार्शियल प्रेशर के फॉर्म में मोल फ्रैक्शन को डिफाइन किया कि जिसका पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी, तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि जिसका सॉल्युबिलिटी ज्यादा है उसका पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा। ठीक है, जस्ट अपोजिट, वही आपका सबसे ज्यादा यूज्ड फॉर्म है हेनरीज लॉ का। सो द मोस्ट वाइडली यूज्ड फॉर्म ऑफ हेनरीज लॉ इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ओवर द सॉल्यूशन एट ए पार्टिकुलर टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन द सॉल्यूशन प्रोवाइडेड द गैस डज नॉट रिएक्ट केमिकली विद द सॉल्वेंट। मतलब पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन, मतलब हम लिख सकते हैं कि पी आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स आई, और पी आई इज इक्वल टू के एच इंटू एक्स आई। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड हेनरीज लॉ इक्वेशन। ठीक है, और इसमें जो के एच है, के एच इज कॉल्ड हेनरीज कॉन्स्टेंट। द वैल्यू ऑफ हेनरीज कॉन्स्टेंट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ गैस। ठीक है, इसलिए क्योंकि एक ही टेम्परेचर पर अलग अलग गैस के हेनरीज कॉन्स्टेंट का वैल्यू अलग अलग होता है, इसका मतलब क्या हुआ कि हेनरीज कॉन्स्टेंट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ गैस। ठीक है, अब इस इक्वेशन से एक्सपेरिमेंटली जो फैक्ट देखे गए उसको वेरीफाई भी किए जा सकते हैं। कैसे? देखिए, ये जो इक्वेशन है इसको हम लोग लिख देते हैं, पी आई इज इक्वल टू के एच इंटू एक्स आई। ठीक है, जहां पर एक्स आई क्या है, मोल फ्रैक्शन है, पी आई क्या है, पार्शियल प्रेशर है। ठीक है, पी आई इज पार्शियल प्रेशर एंड एक्स आई इज मोल फ्रैक्शन। ठीक है, आइथ कंपोनेंट का, अगर ए बी सी कई सारे गैस हैं तो यहां ए होगा तो ये भी ए हो जाएगा, ये बी होगा तो ये भी बी हो जाएगा, यहां वन होगा तो ये भी वन हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, इस इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पी आई इज इक्वल टू के एच इंटू एक्स आई प्लस जीरो। ठीक है, एंड दिस इक्वेशन इज इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन के फॉर्म में इसका फॉर्म हो गया। मतलब क्या है इसका? मतलब ये है कि अगर एक ग्राफ हम लोग प्लॉट करें पी आई और एक्स आई के बीच में, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो एम मतलब स्लोप हो गया, सी मतलब वाई इंटरसेप्ट। तो देखिए, वाई इंटरसेप्ट की वैल्यू जीरो है, मतलब ये वाई एक्सिस को कट नहीं करेगा, ये ओरिजिन से पास करेगा ऐसे। ठीक है, दूसरी बात आप देख रहे हैं कि स्लोप का वैल्यू पॉजिटिव है और किसके बराबर होगा, के एच के बराबर होगा। तो यहां पर ये जो लाइन आपको मिल रहा है इसका जो स्लोप होगा ये स्लोप के एच के बराबर होगा।
अब एक्सपेरिमेंट किया गया, एक्सपेरिमेंट में डिफरेंट गैसेस के लिए डिफरेंट सॉल्वेंट में उनकी सॉल्युबिलिटी के एक्सपेरिमेंट्स को स्टडी किया गया, प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के रिलेशनशिप को स्टडी करके उसका ग्राफ प्लॉट किया गया। तो जब ग्राफ प्लॉट किया गया तो वो ग्राफ एग्जैक्टली वैसा ही था जैसा कि हेनरीज लॉ ने प्रिडिक्ट किया था। ठीक है, तो ये आपका KH को पता करने का एक तरीका भी हो गया कि KH हम लोग कैसे पता कर सकते हैं एक्सपेरिमेंटली, कि एक्सपेरिमेंटली हमें पता करना होगा तो किसी गैस की सॉल्युबिलिटी का हमको स्टडी करना होगा, डिफरेंट प्रेशर पर उसके मोल फ्रैक्शन के वैल्यू को नोट करना होगा, और उसके बाद से ग्राफ प्लॉट करके जो हमको लाइन मिलेगी उस लाइन का जो स्लोप होगा दैट विल गिव द वैल्यू ऑफ KH। ठीक है, एक चीज। दूसरा इंपॉर्टेंट कंक्लूजन क्या है? अब दूसरा इंपॉर्टेंट कंक्लूजन क्या है? हेनरीज लॉ के इक्वेशन यानी PI इज इक्वल टू KH इंटू XI, इससे ये क्लियर है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये KH की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो XI की वैल्यू डिक्रीज होगी, और KH की वैल्यू अगर डिक्रीज होगी तो XI की वैल्यू इंक्रीज होगी। ठीक है, मतलब हायर इज द वैल्यू ऑफ KH मतलब हेनरीज कांस्टेंट। अगर किसी गैस के लिए हेनरी कांस्टेंट का वैल्यू हाई है किसी पार्टिकुलर टेम्परेचर पर तो उसकी सॉल्युबिलिटी कम होगी। ठीक है ना, कि हायर इज द वैल्यू ऑफ KH, लोअर इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखिए, दो गैस है ए और बी, इसके KH का वैल्यू दिया गया KH एट 25 डिग्री सेल्सियस इन फॉर डिजोल्यूशन इन वाटर। ठीक है, इसकी वैल्यू मान लीजिए 1.29 है और इसकी वैल्यू जो है 1.05 है। ठीक है, तो किसकी सॉल्युबिलिटी हायर होगी? तो जिसके लिए KH का वैल्यू कम होगा उसकी सॉल्युबिलिटी हाई होगी। ठीक है, छोटा सा एक कॉन्सेप्ट है ये। ठीक, अच्छा, दूसरा कंक्लूजन ये हो गया। तीसरा कंक्लूजन क्या है हमारा, कि अगर हम लोग देखें टेम्परेचर के साथ रिलेशनशिप, कोई पार्टिकुलर गैस के पार्शियल प्रेशर और मोल फ्रैक्शन का ग्राफ खींचा जाए अलग अलग टेम्परेचर पर, जैसे ये टेम्परेचर T1 है, फिर टेम्परेचर T2 है, फिर टेम्परेचर T3 है, अलग अलग टेम्परेचर पर अगर हम लोग ये ग्राफ प्लॉट करते हैं, यानी एक ही गैस के सॉल्युबिलिटी को हम लोग तीन डिफरेंट टेम्परेचर पर स्टडी करें और उनके ग्राफ को प्लॉट करें, तो ग्राफ हमको इस तरह से मिलता है, जहाँ पर T3 इज ग्रेटर देन T2 इज ग्रेटर देन T1। और मैंने आपको यहाँ बताया है कि द स्लोप ऑफ लाइन रिप्रेजेंट्स KH, तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि T1 से ज़्यादा स्लोप T2 का है, T2 से ज़्यादा स्लोप T3 का है, क्योंकि x एक्सिस के साथ जो एंगल है वही आपका स्लोप का मेजरमेंट बता देगा, क्योंकि स्लोप इज इक्वल टू क्या होता है tan थीटा। तो थीटा के वैल्यू अगर यहाँ इंक्रीज होती चली जा रही है पॉजिटिव डायरेक्शन में तो ये वैल्यू इंक्रीज होगी। तो यहाँ पर T3 हाईएस्ट टेम्परेचर है, T1 इज लेस देन T2, T2 इज लेस देन T3, T3 सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर है, और KH का वैल्यू भी देखिए उसी फॉर्म में इंक्रीज हो रहा है, यानी KH ऑफ 3 इज ग्रेटर देन KH ऑफ 2 इज ग्रेटर देन KH ऑफ 1। यहाँ हम कह सकते हैं इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ गैस देन द वैल्यू ऑफ KH इंक्रीजेज, एंड If the value of KH increases, the solubility decreases। जो हमने पिछली क्लास में आपसे डिस्कस किया था कि गैस की टेम्परेचर बढ़ाने से उसकी सॉलिबिलिटी डिक्रीज हो जाती है, उस चीज को भी ये इक्वेशन एक्सप्लेन करता है। ठीक है, यानी हम लिख सकते हैं कि KH increases with increase in
temperature. So solubility of gas decreases with increase in temperature. ठीक है, टेम्परेचर जैसे जैसे इंक्रीज होगा गैस की सॉल्युबिलिटी सॉल्यूशन में डिक्रीज होते चली जाएगी. ठीक है, क्योंकि यहां हमने बताया आपको कि KH अगर इंक्रीज होता है तो मोल फ्रैक्शन की वैल्यू डिक्रीज होती है, मतलब सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है. ठीक है, लोअर इज द सॉल्युबिलिटी. यहां क्या देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं स्लोप इंक्रीज होते चला जाता है, मतलब KH का वैल्यू इंक्रीज होता है, और KH का वैल्यू इंक्रीज होने का मतलब है कि गैस की सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होना. ठीक है, तो इस तरह से ये जो हमारा हेनरीज लॉ का फॉर्म है ये एक कंप्लीट एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करता है इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस पर. ठीक है, जो लास्ट फॉर्म है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ठीक है ना, कि द पार्शियल प्रेशर ऑफ ए गैस ओवर द सॉल्यूशन एट अ गिवन टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन द सॉल्यूशन प्रोवाइडेड गैस डज नॉट रिएक्ट केमिकली विद द सॉल्वेंट. ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. जब भी आपसे पूछा जाता है डिफाइन हेनरीज लॉ तो आपको यही लास्ट वाला स्टेटमेंट ही लिखना है. ठीक है ना, जब भी पूछा जाएगा तो लास्ट स्टेटमेंट ही जो है वो फाइनल स्टेटमेंट है, बाकी आपको डिस्कस करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जनरली वन मार्क्स या वन एंड हाफ मार्क्स के क्वेश्चंस में ये पूछा जाता है. इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, PI इज इक्वल टू KH इंटू XI. KH क्या है, हेनरीज कांस्टेंट है. KH का वैल्यू इंक्रीज होगा तो XI का वैल्यू डिक्रीज होगा, KH का वैल्यू डिक्रीज हो रहा है तो XI की वैल्यू इंक्रीज होगी. एक फैक्टर ये है. ठीक है, दूसरा फैक्टर जो जानना है KH की वैल्यू कैसे प्रिडिक्ट करते हैं, तो PI और XI के बीच में ग्राफ खींच दीजिए, ग्राफ का जो स्लोप आएगा वही होगा KH, और KH की वैल्यू किस पर डिपेंड करती है, नेचर ऑफ गैस पर. ठीक है, तीसरा जो फैक्टर हमने बताया कि अगर हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज करते जाएं तो जो स्लोप है इस लाइन का वो इंक्रीज होते चला जाएगा. हायर इज द टेम्परेचर हायर इज द स्लोप ऑफ द लाइन, इट मींस हायर इज द वैल्यू ऑफ KH. सो इफ द वैल्यू ऑफ KH इंक्रीजेस इट मींस द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस डिक्रीजेस. मींस वी हैव अराइव्ड द कंक्लूजन दैट इफ वी gradually increase the temperature of gas its solubility will gradually decrease. ठीक है, तो हेनरीज लॉ में इतना है. अभी इसमें दो तीन छोटे छोटे टॉपिक और हैं. क्या है, एक what are the limitations of हेनरीज लॉ. ठीक है, दूसरा what are the applications of हेनरीज लॉ. applications बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जैसे स्क्यूबा डाइवर्स जो होते हैं, जो समुद्री गोताखोर होते हैं, उनमें एक एबनॉर्मल सिचुएशन क्रिएट हो जाता है जिसको हम लोग कहते हैं बेंड्स. ठीक है, जो पेनफुल सेंसेशन होता है, जैसे गोताखोर जब समुद्र के अंदर गया गहराई में और गहराई से जब बाहर निकलता है तो पैर से चल भी नहीं पाता है, उसको बेंड्स हो जाते हैं. तो वो बेंड्स एक मेडिकल एबनॉर्मलिटी है, तो वो क्यों होता है उसको भी हेनरीज लॉ से हम लोग को समझना है. ठीक है, उसी तरह से एनोक्सिया होना, ठीक है, ये सारा चीज़ जो है हेनरीज लॉ से रिलेटेड है. उन सब चीज़ों को हम लोग एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ में एक्सप्लेन करेंगे. साथ ही साथ हेनरीज लॉ एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं, और आगे राउल्ट्स लॉ में इसको कंपेयर भी किया जाता है कि हाउ कैन यू से दैट राउल्ट्स लॉ इज ए स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है. ठीक है, तो इन सब बातों का हम लोग एक्सप्लेनेशन आगे की क्लास में करेंगे. ठीक है, यानी व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ हेनरीज लॉ, व्हाट आर एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ एंड न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन हेनरीज लॉ. ठीक है, तो इन सब चीज़ों की हम लोग अगले क्लास में डिस्कशन करेंगे. बाकी आप आज के क्लास में ये सारी बात जो मैंने आपको बताया उसको अच्छे से आप समझ लीजिए, बुक्स की आप ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग करें जिससे आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा. ठीक है ना, थैंक यू.